हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5th ईवीएस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग स्टार्ट कर चुके थे और हमने कल एयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। एयर का कंपोजिशन जब हमने पढ़ा था तो हमने जो है गैसेस के बारे में पढ़ा था कि एयर के अंदर कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, यानी कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर गैसेस। और ये सब एक बैलेंस्ड अमाउंट में पाई जाती हैं। तो आज हम उन सभी गैसेस के बारे में, जितने भी कंपोनेंट्स हैं एयर के, तो उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग, यानी कि एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन से। चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाम सभी बच्चों ने सुना होगा। ऑक्सीजन इज द लाइफलाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है, जितने भी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, सबकी लाइफ लाइन है, यानी कि सबकी लाइफ को चलाने वाली है। सब सब कोई भी लिविंग थिंग्स जो है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। इसेंशियल यानी कि आवश्यक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, बहुत आवश्यक गैस है ब्रीदिंग के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट गैस है, बहुत ज्यादा इसेंशियल गैस है, आवश्यक है। इट इज यूज्ड फॉर लाइफ सपोर्ट इन एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन्स। देखिए, एयरक्राफ्ट में जो है, जो एयरक्राफ्ट जो ऊपर जाते हैं, रॉकेट वगैरह, आप लोगों ने सुना भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, तो उनमें भी जो है ऑक्सीजन जो है वो लोग लेकर जाते हैं साइंटिस्ट। और इसी प्रकार से सबमरीन जो वाटर के नीचे जो पाए जाने वाले, जो हमारे जो है सेना में सबमरीन होती हैं समुद्र के नीचे, तो उनमें भी जो है रहते हैं लोग, है ना, जो हमारे सैनिक है, एयरफोर्स और ये सब सुने होंगे ना आपने, तो उनमें सबमरीन में जो रहते हैं समुद्र में, तो वो पनडुब्बी का नाम सुना होगा आपने। पनडुब्बी के अंदर जो लोग रहते हैं साइंटिस्ट या फिर जो भी है, तो वो लोग भी जो है वहां पर, उनको भी रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो लोग भी ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते हैं अपने पास, ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, इसलिए वो जो है अपने साथ ऑक्सीजन अलग से लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो चाहे एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे सबमरीन्स हों, सभी जगह पर ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ऑक्सीजन को एक बहुत ही ज्यादा इसेंशियल गैस कहा जाता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अर्थ के ऊपर जो है लाइफ नहीं हो सकती, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो गैस है, हमने कल पढ़ी थी नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है नाइट्रोजन, 78%, और ऑक्सीजन कितनी थी, 21%। देखिए, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, पर फिर भी हम उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, जैसे हम ऑक्सीजन को डायरेक्टली ब्रीदिंग करके ले लेते हैं ना, पर हम नाइट्रोजन को नहीं ले सकते डायरेक्टली। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, एयर से डायरेक्टली
नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को. प्लांट्स यूज नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल. और प्लांट्स भी नाइट्रोजन को कैसे यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की सहायता से, जो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी सहायता से उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन. जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं सॉइल के अंदर, उनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो भी सॉइल के अंदर मिल जाती है. इसके अलावा विच इज एडेड टू द एडेड टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल. जो फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल के अंदर डाले जाते हैं उनसे भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. एनिमल्स गेट देयर रिक्वायर्ड नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स फिश एंड मीट. एनिमल्स अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं? बाय ईटिंग प्लांट्स. प्लांट्स को खाकर, जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, तो इन सब के अंदर नाइट्रोजन होती है क्योंकि पेड़ पौधे तो सॉइल से नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मिक्स होती है. तो हमें नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स मिल जाती है और फिश एंड मीट, इन सभी चीजों से हमें नाइट्रोजन जो है प्राप्त हो जाती है. और एनिमल्स तो डायरेक्टली प्लांट खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है. तो आज हमने टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन दो गैसेस के बारे में रीड किया है. तो आप लोगों को अपनी बुक में से ये दोनों गैसेस के बारे में अच्छे से रीड करना है.